गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम लोग आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी कि ये दिसंबर के महीने के लिए एक फ्री रीडिंग का ऑफर है कि आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं फ्री रीडिंग करूँगी। ओके, तो आज मैं वो कर रही हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे अंजलि जी से। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मेरा नाम अंजलि है एंड उनका जो सवाल है वो है, व्हेन विल आई गेट मैरिड टू माय पर्सन होम आई लव। ओके, आपने पूछा कि आप अपने पर्सन यानी आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आप शादी कब करेंगे, कब होगा आपकी शादी। ओके, शादी को लेके यहाँ पे सवाल है। थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे से गणेश जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आप लोगों की वजह से आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो एंड आप लोगों ने कमेंट भी की। थैंक यू सो मच लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए अंजलि जी आपका आंसर हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नंबर वन आ गया। आई फील लाइक आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ही एक एम्परर कैरेक्टर के है एंड उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही लीडरशिप कैरेक्टर के हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है एंड आई फील लाइक आपके साथ उनका मैच भी बहुत है। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड आपने जो सवाल पूछा है कि कब आपके साथ उनकी शादी होगी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ तो नहीं भेजा है, ठीक है, फिर भी मैं करती हूँ। आई फील लाइक यहाँ पे चार नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन, इन कमिंग फोर इयर्स हो सकता है एग्जैक्ट, ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। चार नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, चार नंबर। थैंक यू। ओके, इन सिक्स मंथ, ओके, इन फोर मंथ, सिक्स मंथ, इसमें लग रहा है एक है छः महीने में। अगर ये छः महीने का वक्त कोई और वजह से गुजर जाता है तो आई फील लाइक इन फोर इयर्स, कमिंग फोर इयर्स में शादी है, लेकिन मुझे स्पेशली लगता है इन छः महीनों में ही शादी है, ठीक है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका नाम साधना जी है। ओके, साधना जी, आपने टाइम प्लेस भी भेज दी हो, अच्छी बात है। 1998, ओके, तो साधना जी ये आपके लिए है। मैम, मेरी शादी मेरे बीएफ से कब होगी, इनका भी शादी रिलेटेड सवाल है। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं साधना जी के लिए क्या गाइडेंस आते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये आ गया है एक कार्ड। आई फील लाइक आपका जो पार्टनर है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपके और आपके पार्टनर के म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत हैं, ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। बहुत ही ऊर्जा आपकी बहुत खूबसूरत है साधना जी, आपकी ऊर्जा बहुत खूबसूरत है एंड अगर आप पूछ रहे हो कि, और आपका जो पार्टनर है ना वो थोड़ा सा यू नो आई फील लाइक वो सबके चहेते बहुत पसंद करते सब उनको, थोड़ा लड़कियाँ भी उनको भाव देती है, यू नो इसका टाइप के है वो। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं वक्त के लिए क्या है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू. ओके. थ्री ऑफ पेंटाइज नहीं, ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस आंसर से. सेवन डिज का आंसर तो नहीं है. थैंक यू. इन इलेवेंथ मंथ, यस मुझे यही फील हुआ था. इन इलेवेंथ मंथ यानी आने वाले साल जो है उस इस साल में हो जाएगा. ये 2023 का जो साल है इस साल में हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू साधना जी, थैंक यू फॉर कॉमेंटिंग. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस साल में आपकी शादी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. ये यहाँ पे किसी ने लिखा है कि किसी ने, मतलब मैं समझ तो नहीं पा रही, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भेज रही हूँ. जो भी आपका नाम है, आपने नाम नहीं भेजे, आपने क्वेश्चन आपने भेजे हैं कि मेरा एमफिल एडमिशन होगा क्या नहीं. ओके, ये यस नो क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग ये पेंडुलम से देखेंगे. थैंक यू सो मच. ओके, यहाँ पे मैं हमजा अली देख रही हूँ, मतलब उनका नाम मैं देख पा रही हूँ. हाँ, उन्होंने लिखा है अंसा अली, डी ओ बी उनका लिखा है 11 10 11. ओके ओके ओके. तो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरा एम फिल एडमिशन होगा या नहीं, चलिए देख लेते हैं हमारे पेंडुलम से पूछ के. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस, यहाँ पे यस आया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जी हाँ, आपका एम फिल का एडमिशन होगा, डेफिनेटली होगा. थैंक यू फॉर कॉमेंटिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपको अगर रीडिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे बाकी के वीडियोज भी देखें. थैंक यू सो मच. ओके, इन्होंने लिखा है, इनका नाम नीला, इन्होंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ. मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ. डेट ऑफ बर्थ उनका है 3/5/13. ओके, टाइम है 8 से 9 PM के बीच में. इससे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए. ओके, किस, ये मैं एक ही सवाल मैं आपके लूँगी कि कौन से क्षेत्र में उनको जाना चाहिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस. मुझे उनका नाम, आप अपने बेटे की नाम नहीं भेजिए, तो डेट ऑफ बर्थ से देख लेते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू. ओके, बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके ओके, देखिए यहाँ पे तीन क्षेत्र है, मैं वो बोल रही हूँ. अगर आपका, आपके बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो बिजनेस कर सकते हैं. जो थीम बिजनेस होते हैं ना,
मैरिज थीम का या प्रपोजल थीम का बिजनेस जो होते हैं अभी मैरिज सीजन का जो होते हैं ना, मैरिज थीम के ऊपर जो बिजनेस होते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रपोजल थीम के ऊपर जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ये अगर वो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअल गाइड, योगा टीचर या एडुकेटर या वो डॉक्टर लाइन में अगर वो जाना चाहते हैं, डॉक्टर उनको पसंद है, तो साइकोलॉजिस्ट साइक्रियाटिस्ट वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, ये दो क्षेत्र, मतलब अगर बिजनेस हो गया तो उस लाइन में, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो इस लाइन में, आई फील लाइक वो बहुत अच्छे इंसान है एंड वो बहुत वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। आपका जो बेटा है वो प्रॉब्लम सॉल्व, अपने दोस्तों के आप पूछ सकते हैं कि आपका दोस्त, बेटे की जो भी दोस्त है ना, वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जगह है जहाँ पे वो जा सकते हैं, वो अपना करियर बना सकते हैं। लोगों को सलाह देना, सही डायरेक्शन देना, ये करना भी उनको बहुत पसंद है आई थिंक। तो वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। बिजनेस हो तो वो थीम बिजनेस में जा सकते हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो टीचर वो बन सकते हैं, एडुकेटर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड भी बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं। ठीक है, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका बेटा बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, वो बहुत मानते हैं, भगवान में मानते हैं। ओके, तो यही आपका सवाल था। थैंक यू, मैं आपका एक ही सवाल लेने वाली थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सुरभि चौरसिया, आप ओके, आप अपने पर्सन का भी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से दी है। थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा है, व्हेन विल आई गेट मैरिड टू द पर्सन आई लव, सेम क्वेश्चन है। ओके, तो आपका लव मैरिज है एंड बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपका लव मैरिज है, बहुत बढ़िया। When I will get married, चलिए देख लेते हैं एक बार। थैंक यू सो मच। पर्सन का डिटेल है, उनका पर्सन का नाम, राहुल सिंह भवेल है। ओके, तो सुरभि चौरसिया, ये आपका रीडिंग है। आपने यहाँ पे कमेंट की थी कि आप अपने पर्सन के साथ कब, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, कब शादी होगी। इन कमिंग टू इयर्स, आने वाले दो साल में आपकी शादी हो जाएगी एंड जब भी होगी बहुत धूमधाम से होगी। अगर आपका कोई इशू है कि घर वाले नहीं मान रहे, दिस काइंड ऑफ अगर कोई भी इशू है तो वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है कि कमिंग टू इयर्स में शादी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कमिंग टू इयर्स में यहाँ पे मैं शादी देख रही हूँ। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा नाम कविता जैन है, मैं अपने बेटे की बारे में, बेटे का नाम अतुल जैन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दोनों, दो बहन पे, मेरा नाम कविता जैन है, उसकी मम्मी बोल रही हूँ,
एंड तो मैं अपने बेटे के लिए बात करना चाह रही थी। बेटे की शादी की बात चल रही है, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के नाम की मन से शादी की बात बन जाएगी क्या? ओके, कि आप पूछ रहे हैं कि आपके बेटे की शादी का मन बनेगी या नहीं। थैंक यू। उनके आपके बेटे की शादी की बात चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई फील लाइक वो अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं अभी। वो अभी आपको कह रहे हैं कि मम्मी अभी नहीं शादी करनी है, अभी थोड़ा और सेटल होना है। सेटल होने का मतलब यू नो मनी, मनी रिलेटेड सेटलमेंट, थोड़ा और पैसे कमाने हैं और अपने आप को ग्रोथ देनी है, और भी पैसे कमाने हैं अभी। ओके, तो वो अपने करियर को लेके थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है एंड अपने लाइफ को थोड़ा वो एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना एंड ऑल दैट। उनका उम्र 27 इयर्स हो रहे हैं। सो ओके, शादी का मन देखते हैं, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, मन बन जाएगा। यप यप यस है, यहाँ पे बनेगा। उनके लाइफ में थोड़ा सा ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है जहाँ पे उनको थोड़ा सा, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शादी का मन बन रहा है। लेकिन एक उनके लाइफ में कुछ सिचुएशन होगा जिस वजह से उनके मन में ये भाव, मतलब ये बात आएगी कि हाँ चलो मुझे अब शादी कर लेनी है। ठीक है, तो वो उनको, आप अगर ये सोच रहे कि उनका मन बनेगा या नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी है, ये कमिंग 7 मंथ्स में उनका मन बन जाएगा। ठीक है, 7 मंथ्स, 7 महीने में उनका मन बन जाएगा शादी के लिए। सो आप रिश्ते देखते रहिए। आई फील लाइक यहाँ पे उनके पसंद, उनके नज़र में कोई है, वो भी किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, उनके साथ किसी की शायद कनेक्शन हुआ है, शायद नहीं, यहाँ पे है कनेक्शन है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। आप अपने बेटे से पूछिए कि उनके नज़र में ऐसा कोई इंसान है जिनको वो पसंद करते हैं, तो वो उसमें बात बनाइए। ठीक है, तो बन जाएगी उसकी मन शादी के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। When will I reunite with Vikas Tomar? ये आपका नाम सौर्य चालरिया। ओके, मेरा कॉन्टैक्ट है आपकी। चलिए देख लेते हैं आपके साथ आपकी पर्सन की कब तक रीयूनियन हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है। टू ऑफ वंड्स, बहुत ही बढ़िया। चलिए थैंक यू। ओके, एंड और कोई मैसेजेस खुद से आना चाहती है? ओके, आना चाहती है, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, ओह आपको कहा जा रहा है आप अगर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रीयूनियन की सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अगर आप सोच रहे कि होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे रीयूनियन की सिचुएशन बन रही है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे रीयूनियन है, यहाँ पे शादी भी है। आपके लिए उनके मन में वो फीलिंग्स ग्रो हो रही है। ठीक है, आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स ग्रो हो रही है। आप याद आते हो उनको बहुत, एंड आई, मैं यहाँ पे शादी देख रही हूँ आप दोनों के बीच, या मैरिज है यहाँ पे।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है, यहाँ पे रियूनियन है, अगर कब आप पूछ रहे हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, एक तो मुझे 7 मंथ्स दिख रहा है, 7 नंबर मुझे दिख रहा है। थैंक यू। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, ये एक ही मैसेज मुझे बहुत मिल रहा है कि आपको चेंज होने की, सेल्फ ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। आपका चलना, आपका रहन सहन, आप कैसे प्रेजेंटेबल दिखते हो सबके सामने, कैसे सज धज के जाते हो, वो सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इन 15 डेज में आपके साथ उनका कांटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वाला जो यूनियन है शायद वो फ़ोन कर सकते या उनका उनके तरफ से कोई मैसेज आ सकता है इन 12 मंथ। यानी यहाँ पे आई फील लाइक ये 12 मंथ में ना शादी का कुछ है आपका, ठीक है, शादी का, शादी हो सकती है इस 12 मंथ में, इन 12 मंथ में शादी है इसके साथ, ये ज़्यादा जा रही है, यू नो 10 ऑफ मतलब 10 नंबर्स 12 नंबर। यहाँ पे यूनियन है, 15 डेज में उनके तरफ से कोई कांटेक्ट हो सकता है आपके लिए। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने कमेंट की, आप लोग और भी कमेंट कर सकते हो। ये पूरा दिसंबर के महीने के लिए मैं एक ही फ्री रीडिंग करने वाली हूँ, मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेने वाली। फॉर न्यू व्यूअर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, जो भी आप नए हो, नए कमेंट कर रहे हो, तो मैं आपके लिए ही सिर्फ लेने वाली हूँ। ऐसा नहीं जिनका रीडिंग हो गया या जिनका कमेंट हो गया मैं फिर से उनका एक सवाल लेने वाली हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, जितने लोगों ने भी कमेंट की है मैंने उनका, ओके एक रह गया है, एक रह गया है, ममता कुमारी मैम हम दोनों ट्विन फ्लेम है क्या? ओके, इन्होंने पूछा है कि ट्विन फ्लेम है क्या। ओके, पहले हम लोग पेंडुलम से पूछ लेंगे फिर हम लोग कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पे राहुल ने पूछा है ममता कुमारी, राहुल एंड ममता कुमारी मैम हम दोनों ट्विन फ्लेम है क्या? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं राहुल के लिए। यहाँ पे मुझे नहीं पता किसने सवाल पूछा है, ममता कुमारी ने सवाल पूछा या राहुल ने पूछा है। जो भी है सवाल ये है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं, मे बी। ओके, मैं एक बार और लेने वाली हूँ, थैंक यू सो मच, देखते हैं। एक बार फिर से मे बी आया है। ओके, मैं दूसरी तरफ से लेने वाली हूँ, थैंक यू सो मच। वाह, आपका ये रीडिंग मस्त है। यहाँ पे ऑलमोस्ट नो वे होके यस आया है, तो यस है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, बहुत ही बढ़िया। आपने जो सवाल पूछा है तो वो है, यहाँ पे यस है आपका आंसर, ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो यही कुछ रीडिंग्स है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, मैंने रीडिंग कर दी, थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। ओके, चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।